नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी तुला लग्न में सूर्य का फल, यानी कि अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में 7 नंबर पड़ा हुआ है और सूर्य आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में कहां पर बैठे होंगे तो कैसा फल दे सकते हैं, इस पर एक विस्तृत चर्चा होगी। आप लोगों से एक अनुरोध है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यानी कि यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में आप अपनी पत्री के बारे में मुझसे प्रश्न ना करें, क्योंकि ये मेरा सिद्धांत है कि मैं किसी भी पत्री को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करूंगी। ज्योतिष के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसमें कि डॉक्टर की तरह एक ओथ ली जाती है कि आपकी पत्री अगर मैंने देखी है तो वो मुझ तक सीक्रेट है, केवल मुझ तक है। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत ऑनेस्टली ईमानदारी से कर रही हूं, तो मैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए आप लोगों से ये नहीं कहूंगी कि आपकी हॉरोस्कोप का फ्री एनालिसिस मैं कर दूंगी। ये सिद्धांत रूप में गलत है। किसी भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप, देखिए सेलिब्रिटीज की हॉरोस्कोप को एक, या जो लोग नहीं रहे हैं, इंदिरा गांधी हैं या कुछ है, इनकी हॉरोस्कोप को बार बार हम डिस्कस करते हैं सेलिब्रिटीज, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, उनकी लाइफ को आप लोग जानते हैं। बट किसी अदरवाइज किसी की पत्री को सोशल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना मेरे सिद्धांतों के हिसाब से ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगी। अगर कभी मैंने ये बनाया भी कि मैं महीने में एक बार कुछ लोगों की पत्री फ्री में डिस्कस कर दूं, आप लोग मुझे लिखते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हो सकता है मैं कुछ 10 लोगों को 5 लोगों को चुनूं और किसी एक एक करके कभी डिस्कस कर दूं, मे बी आई प्लान दिस, तो मैं उसमें भी फिर नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि नाम बताकर पत्री मैं कभी डिस्कस नहीं करूंगी। मुझसे ऐसे प्रश्न आप लोग ना करें। आपकी ज्योतिष की जो भी क्वेरी होती है वो मैं आंसर अवश्य करती हूँ। चलते हैं, शुरू करते हैं, वीडियो काफी लेट हो जाता है। बात होगी तुला लग्न, यानी कि अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर यहां पर पड़ा हुआ है, तब सूर्य अगर आपके पहले भाव में बैठे हैं तो क्या होगा। ये पहला भाव होता है, नंबर 7 है, लेकिन ये भाव पहला है, घर पहला है, यानी सूर्य पहले घर में है, तब क्या होगा। सबसे पहले ये कि तुला क्या है। तुला लग्न जो है, इसके जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, वो शुक्र है, और शुक्र की स्थिति इस कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। शुक्र जैसे बैठे होंगे, यानी लग्न लॉर्ड जितना ताकतवर होगा या कमजोर होगा उसी हिसाब से आपकी पत्रिका असर देगी, लेकिन और ग्रह भी अपना असर देते हैं, तो इसलिए सब ग्रहों को समझना चाहिए हमको। अब सूर्य को समझेंगे। सूर्य जो है इस कुंडली के लिए 11वें घर के मालिक बनते हैं, यानी एकादशेश। 11वें घर के विषय में जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि 11वें घर का मालिक जहां भी जाता है उस स्थान को प्राइसी या बहुमूल्य बना देता है, क्योंकि लाभ का स्थान है। तो इस कुंडली के लिए सूर्य खराब नहीं है। वैसे भी अगर सूर्य की पोजीशन शुक्र से तात्कालिक मैत्री बनाती हुई हो जाए, मतलब शुक्र जहां बैठा है उससे दूसरे तीसरे चौथे या फिर 9वें 10वें 11वें ऐसे घरों में सूर्य बैठ जाए शुक्र से, तो ये तात्कालिक मैत्री बना ले, तब तो फिर ये सूर्य अच्छे खासे प्रभावी हो जाते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तो अगर शुक्र लग्न में जाएंगे तब क्या होगा। आप अगर लग्न में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सूर्य जो है वो नीच के हो रहे हैं। सूर्य का नीच का होना मैं हमेशा ही कहती हूं कि खराब नहीं है। अगर और आप उनका नक्षत्र देखें, उनके ऊपर दृष्टियां देखें, जिस स्थान पर बैठे हैं उसकी यानी शुक्र की स्थिति को देखें, तभी आप इनके फल का कथन कर सकते हैं। वैसे भी छठे ग्यारहवें तीसरे छठे ग्यारहवें स्थान के मालिक अगर नीच के होते हैं तो काफी अच्छा असर करते हैं। तो इसलिए ये स्थिति सूर्य का
तुला लग्न में बैठना यानी पहले घर में बैठ जाना खराब स्थिति नहीं है। आप अपनी मेहनत से, आप अपने परिश्रम से, आप अपने सोशल नेटवर्किंग स्किल्स से, आप अपने जीवन को धीरे धीरे करके आगे ले जाएंगे। यंग एज आपकी उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। अगर सूर्य उच्च का है तब तो यंग एज बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आपका सूर्य नीच का है लेकिन वो एकादशेश है तो फिर आपको काफी एंटरप्राइजिंग बनाता है और आप अपने जीवन को धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ाते हैं। आपके अंदर एरोगेंस नहीं होती, आप थोड़े से ट्रिकी यानी कि मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। आपको पता है किसके सामने झुक जाना है, किससे झुककर बात बना लेनी, यानी थोड़े से मैनिपुलेटिव कैलकुलेटिव आपका दिमाग हो जाता है। सिर्फ एक बात हो सकती है, अगर शुक्र कमजोर होंगे तो एक बात हो सकती है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा, जिसको आप कहते हैं ना कि चाटुकारिता करने वाला हो सकता है, और या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं हो सकता है। अदरवाइज आप दोस्त बनाने में, नेटवर्किंग करने में आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। मैंने बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स की कुंडली में ये स्थिति देखी है। सूर्य नीच के काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऐश्वर्या राय का सूर्य भी नीच का है। मैंने कहा ना, पब्लिक फिगर्स का नाम आप ले सकते हैं क्योंकि उनके जीवन को आप जानते हैं कि अगर नीच का सूर्य है तो क्या कर सकता है। दीपक चोपड़ा जो कि लाइफ कोच हैं और अब विदेश में बहुत फेमस हैं, उनका 9th हाउस में सूर्य नीच का है, यानी नीच का सूर्य आपको बड़ी प्रसिद्धि दिला सकता है। तो ये भूल जाइए कि नीच के ग्रह क्या कर सकते हैं। ये स्थिति बुरी नहीं है, आप काफी एंटरप्राइजिंग होंगे, धीरे धीरे करके आप अपने काम को बढ़ा लेंगे। बहुत संभावना है कि आप किसी सोशल नेटवर्किंग वगैरह से जुड़े हुए हों या किसी बड़े ग्रुप से जुड़कर आप काम करें, तब आपका बहुत नाम हो जाए। आप अपनी पर्सनालिटी को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते हैं। शुरू में आपकी पर्सनालिटी में कोई शाइन नहीं होती। मेरे हिसाब से ये स्थिति खराब नहीं है, आप इससे ना घबराएं। अब बात होगी कि सूर्य जो कि 11वें घर के मालिक हैं, दूसरे घर में आ जाएं। दूसरा घर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, सूर्य के मित्र का घर है, मंगल का घर है। अब यहां आप देखेंगे कि मंगल की स्थिति इस हॉरोस्कोप में कैसी है। अगर सूर्य इनके वैसे ही मित्र हैं, अपने मित्र के घर में है, और अगर तात्कालिक मैत्री भी ठीक बैठ जाती है, तब आप ये समझ लीजिए कि ये कुंडली बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, क्योंकि परम मित्र और तात्कालिक मित्र भी हो जाएं तो ये बहुत स्ट्रांग पत्री कर देते हैं। तब आप धन के संबंध में बड़े फायदे उठा सकते हैं। आपकी रेगुलर इनकम जो है वो फाइनेंस सेक्टर से आ सकती है। आपकी रेगुलर इनकम अपने परिवार यानी परिवार के किसी कार्य में, आप व्यवसाय में जुड़ जाएं, वहां से आ सकती है। आपके रेस्टोरेंट वगैरह के मालिक आप हो सकते हैं, आप फूड की चेन चला सकते हैं, आप ग्रोसरी शॉप के मालिक हो सकते हैं, किसी भी तरह के, यानी आपकी आय का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से आएगा। खाने पीने की चीजें हैं, परिवार है, फाइनेंस है, यहां से आएगा। ये स्थिति मेरी दृष्टि में सूर्य के लिए बुरी नहीं है और अच्छा असर ही देखते हैं। कई बार आपका जो परिवार है वो काफी प्राइसी होता है, मतलब आपका जन्म एक बड़े परिवार में हो सकता है। अब सूर्य जो है अगर तीसरे घर में जाएंगे, तीसरा घर बृहस्पति का है, धनु राशि यहां पर पड़ी हुई है, तो आपको बृहस्पति की पोजीशन चेक करें। अगर बृहस्पति सूर्य को देख पा रहे हैं तो सच मानिए, अगर माना सूर्य बृहस्पति 9th हाउस में है इस स्थिति में, और सूर्य तीसरे में है और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही, आप बड़े मीडिया बैरोन बन सकते हैं, मतलब बड़े एक चैनल के मालिक हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, आप बड़े ऊंचे सर्किल में मूव कर सकते हैं, आपकी जो कम्युनिटी, जो आपके आसपास का माहौल है वो बहुत अच्छा हो सकता है, यानी आपके दोस्त जो हैं वो प्राइसी हो सकते हैं, मतलब बहुमूल्य दोस्त आपको मिल सकते हैं जो आपकी हर समय मदद करें। आपकी भाषा कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली हो सकती है, मतलब अगर आप माइक पर आ गए तो पिन ड्रॉप साइलेंस होगी और लोग आपको सुनेंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक जबरदस्त करिश्मा होगा, ये निश्चित है, अगर बृहस्पति देख रहे होंगे।
तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होगी इस कुंडली में, तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाकर कहीं कुछ आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब बात होगी कि अगर सूर्य चौथे घर में है, शनि की राशि है, यहां पर सूर्य जो है वो अपने मित्र की राशि में नहीं है। चौथे घर का जो सूर्य होता है वो आपको काफी फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, ऐसा मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन आप अगर शनि की राशि में हैं, जहां वो बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो आपको भी ऐसा लग सकता है कि मेरा परिवार जो है उसकी सुख शांति जो है वो थोड़ी सी खंडित होती है। अगर शनि सूर्य से मित्रता बना रहे होंगे तो थोड़ा बेटर होगा, और अगर नहीं होगा तब फिर आपके घर की सुख शांति वगैरह थोड़ी सी बाधित हो सकती है। लेकिन फिर भी आपके पास अच्छे वाहन घर वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि लाभ का मालिक एसेट्स, चौथा घर हमारा एसेट्स होते हैं, लाभ का मालिक एसेट्स के स्थान में आ गया है तो अच्छा हो जाता है। लेकिन क्योंकि अपने घर से छठे घर में है, तो हो सकता है कि आपको अपने एसेट्स जो है वो किसी लीगल ट्रबल में फंस जाएं या किसी सरकारी पेच में फंस जाएं, इसकी संभावना बन जाएगी, क्योंकि सूर्य अपने मित्र की राशि में नहीं है, शत्रु की राशि में है। तो इसलिए लीगल हैसल्स में प्रॉपर्टी वगैरह जा सकती है। अपने वाहन का मेंटेनेंस अवश्य ध्यान रखें, तब ही चलाएं, नहीं तो कुछ आपको दिक्कत आ सकती है। अब बात होगी कि अगर सूर्य 11वें घर के मालिक होकर 5वें घर में बैठ गए, ये भी शनि का स्थान है, लेकिन इसमें एक बात मान लीजिए कि आपको लगेगा कि आपकी सारी की सारी इनकम आपके बच्चों के ऊपर खत्म हो जा रही है। आप हमेशा ही ये सोचेंगे कि बच्चों के खर्चे तो पैरामाउंट हैं, क्योंकि आपका ही शौक होगा कि आप बच्चों को बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ाएंगे, और बाद में सोचेंगे कि ये खर्चा बहुत हो रहा है मेरे ऊपर। क्योंकि लाभ का मालिक अपने घर से 7वें घर में है, यानी कि सारा लाभ जो है बच्चों के ऊपर खर्च हो रहा है, इनकम बच्चों के ऊपर खर्च हो रही है। लेकिन 11th हाउस जो है प्राइसी बनाता है, तो आपकी संतान जो है वो प्राइसी बहुमूल्य, यानी आपको लगेगा मेरे बच्चे मेरे प्राइज पोजेशन है। आपके बच्चे जो हैं, खास करके पहली संतान, लड़का हो लड़की हो कोई भेद नहीं, वो किसी बड़े सरकारी उस संस्थान में काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। शनि की स्थिति अगर मजबूत होगी तो आप संतान पक्ष से काफी अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, यानी चमक मिल जाए आपको, क्योंकि 5वां घर सूर्य का अपना हाउस है, परमानेंट जोडियाक में सिंह राशि 5वां होता है, तो यानी सूर्य 5वें घर में एक तरह से अपने घर में है। भले ही इस कुंडली के लिए, तुला लग्न के लिए ये घर शनि ने किराए पर ले रखा है, लेकिन परमानेंट मालिक सूर्य है, तो सूर्य की स्थिति खराब नहीं। आपके बच्चे जो हैं वो आपकी प्राइज्ड पोजेशन, यानी कि बड़े, आपको लगे कि हाँ मेरे बच्चे मेरा बड़ा नाम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। 11वें घर का मालिक अगर छठे घर में आ जाता है, अपने घर से 8वें घर में, ऐसे लोग, और लग्न से छठा है, तो ऐसे लोग सीक्रेट सर्विसेज में जा सकते हैं, रॉ वगैरह में जो लोग जाते हैं ऐसे लोग हो सकते हैं, सरकारी सीबीआई वगैरह में आप काम कर सकते हैं, रॉ में जा सकते हैं, सीआईडी सीबीआई, मतलब जो भी सरकारी तंत्र है, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अगर बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी होगी तो आपको पदोन्नतियां मिलेंगी, लेकिन वो थोड़ी डिले होकर मिलेंगी। आपको लगेगा कि थोड़ा जैक लगाना पड़ रहा है, कोई सोर्स लगाना पड़ रहा है, तब आपको पदोन्नति मिल रही है, नहीं तो बार बार लगेगा कि आते आते प्रमोशन रह जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन छठे घर का सूर्य इन जनरल आपको विजयी बनाता है, यानी कि आप अपने जीवन में कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सूर्य बृहस्पति की राशि में आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बना सकता है, आयुर्वेद से रिलेटेड आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, छठे घर से रिलेटेड जो भी काम है वहीं से आपकी आय का साधन जेनरेट हो सकता है। तो इस तरह से आपको समझना होगा। अब बात होगी 11वें घर का मालिक अगर 7वें घर में आ जाए, ये अगेन इनके अपने मित्र की राशि है और नवा स्थान है,
अपने घर से नवे स्थान में है, यानी आपके अपने जो और उच्च के भी हैं सूर्य यहां पर, मित्र का स्थान है, उच्च के हैं, तो आपका जो स्पाउस होगा वो एक बड़ी बैकग्राउंड से आएगा और आप उसके लिए आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरा एक मतलब ट्रॉफी वाइफ या ट्रॉफी हस्बैंड जो हो जाते हैं, मतलब अच्छी पोजीशन हो उनकी, अच्छी समाज में स्थिति हो स्पाउस की, इस तरह से आपका जरूर होगा। और क्योंकि लाभ का मालिक पति या पत्नी के स्थान में है या बिजनेस के स्थान में है, तो आपको पार्टनरशिप से भी फायदा है। आपके स्पाउस अच्छी इनकम वाले हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, पार्टनरशिप वगैरह में भी आप अच्छा कर सकते हैं। एक शर्त है कि आपको अपनी एरोगेंस को छोड़ना होगा। उच्च का सूर्य हमको एरोगेंट बनाता है, हम किसी की भी बात समझते नहीं, किसी को कुछ नहीं समझते। तो हो सकता है कि आपका स्पाउस या तो ऐसा हो, तो अगर आपकी कुंडली में है तो कभी कभी आपका स्पाउस एरोगेंट हो सकता है। लाभ तो बहुत है आपको, सब कुछ है, लेकिन एरोगेंस। और अगर दूसरा ये कि आपको अपनी, क्योंकि उच्च का सूर्य लग्न को भी देख रहा है, तो एरोगेंस से दूर रहे, नहीं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटपट ये सूर्य करवा देता है। अब बात होगी कि सूर्य जो है अगर आठवें घर में, एट हाउस में शुक्र की राशि में, आठवें घर का जो सूर्य है वो हमेशा ही बात है कि आठवां घर अंधकार है, जब सूर्य नीचे चला जाता है तो आपकी जो आत्मा है वो भी अंदर, यानी आत्म मनन चिंतन अवश्य करती है। शुक्र का स्थान है तो क्योंकि ऐसा है तो हो सकता आपका कुछ ध्यान जो है वो, देखिए अगर शुक्र पॉजिटिव स्थिति में होगा या इसकी दृष्टि पड़ रही होगी तो हो सकता है कि आपके कुछ सीक्रेट लव अफेयर्स भी हो जाए, क्योंकि ग्यारहवें घर का मालिक जो कि सातवें से पांचवां होता है, यानी वो रोमांस वगैरह होता है, तो सीक्रेट रोमांस वगैरह के एंगल्स भी आ जाते हैं। अगर शुक्र देख रहा होगा तो ऐसा ज्यादा होगा, और अगर बृहस्पति वगैरह की दृष्टि होगी तो हो सकता है कि फिर आप ऑकल्ट वगैरह में ज्यादा अपना इंटरेस्ट लेने लगे। आपकी इनकम का सोर्स, क्योंकि लाभ के स्थान का मालिक आठवें घर में है, ऑकल्ट से हो सकती है, सीक्रेट सर्विसेज से हो सकती है, माइनिंग से हो सकती है, इस तरह के कामों से, यानी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज से, ऑकल्ट से, इससे आपकी इनकम का सोर्स जुड़ सकता है। तो ये स्थिति, सूर्य की स्थिति वैसे शायद ही कहीं खराब होती हो, राजा है अपना रास्ता बना ही लेता है। अब ग्यारहवें घर का मालिक यदि नाइन्थ हाउस में है, जो कि बुध का स्थान है, मिथुन राशि है, बुध इनके मित्र हैं, मित्र की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए यहां पर सूर्य फिर से एक बार कंफर्टेबल आ जाते हैं अपने घर से ग्यारहवें घर में। एकादशेश यानी भावात भावम के सिद्धांत पर यह स्थिति सर्वोत्तम है। लाभ का मालिक अपने घर से लाभ में, बड़े काम कर सकते हैं आप, आपके पास मतलब एक आपकी बड़ी नौकरी चाकरी हो सकती है, विदेश में आप जाकर बड़ा धन कमा सकते हैं। बुध की स्थिति को जरूर जांच लीजिएगा। जब इस तरह से कुंडली को आप समझ रहे हैं तो ग्रह के मालिक को, मतलब इस स्थान के मालिक को अवश्य जज करें। बुध की स्थिति अगर अच्छी होगी तो आप विदेश में काम करने जा सकते हैं, आप एक बड़ी इनकम ग्रुप में आ सकते हैं, आपके पिता वगैरह भी हो सकते हैं कि एक बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हो और उसी लेवल पर आप भी पहुंचे, यानी पिता जैसे या पिता से भी अच्छे सरकारी पदों पर भी आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि लाभ का मालिक अपने से लाभ में है। आपको धर्म से, आपको सीधे रास्ते पर चलने से बहुत लाभ होगा, आप उल्टे सीधे रास्ते अपने जीवन में ना अपनाएं। अच्छे ग्रहों का प्रभाव अगर इस सूर्य पर होगा तो आप राजा बन जाएंगे। लाभ का मालिक भावात भावम के सिद्धांत पर एकादशेश अपने से एकादश में, बड़ी अच्छी स्थिति है। अब बात होगी कि ग्यारहवें घर का मालिक अगर दसवें घर में है, अपने घर से बारहवें घर में है, मित्र के स्थान में, यहां पर फिर एक बात होगी कि आप, क्योंकि ग्यारहवें घर का मालिक अपने से व्यय स्थान में है, तो आप अपनी इनकम को काफी खर्च कर रहे होंगे।
कहां खर्च कर रहे होंगे? सोशल प्रोजेक्शन में, मतलब थोड़ा बहुत अपने स्टेटस को बढ़ाने में खर्चा कर रहे हैं, या अपने काम को बढ़ाने में आपको काफी, यानी कहते हैं ना एडवर्टीजमेंट देना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, काम को बढ़ाने के लिए पैसे का खर्चा होना, इस तरह की स्थिति हो सकती है। और दूसरी एक स्थिति होती है कि जब 11वें घर का मालिक 10वें घर में जाता है, अपने से एक पायदान नीचे आता है, तो जितनी मेहनत आप करते हैं उससे थोड़ा कम कमाते हैं, या फिर अगर ज्यादा कमा रहे होते हैं तो उसका खर्चा होता रहता है। आपको हमेशा लगता है अर्निंग के मामले में आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहता है। तो आप लोगों के लिए है कि आप अपनी मनी को बहुत वाइजली इन्वेस्ट करें सरकारी क्षेत्र से, क्योंकि चंद्रमा भी राजसी, मतलब कर्क राशि भी राजकीय राशि है और सूर्य की सिंह राशि भी, तो आपको राजकीय कामों से, सरकार की मदद से, इस तरह से आपका कार्य व्यवसाय बढ़ सकता है, सरकारी ओहदों पर आप आगे जा सकते हैं। अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो फिर आपकी स्थिति अच्छी होगी। चंद्रमा की राशि में जब सूर्य जल तत्व राशि में है तो कई बार आपको वही बात है कि आप अगर अपने एफर्ट कम करेंगे या थोड़ा सा जिसको कहते हैं थोड़ा ढीले पड़ जाएंगे तो फिर आपके करियर की प्रगति भी बाधित हो जाती है। वैसे भी अपने 11वें घर का मालिक अपने से 12वें घर में होता है तो आप हो सकता है कभी कभी डिमोटिवेटेड फील करें, ऐसा ना करें, सूर्य की थोड़ी सी उपासना करें, आपके लिए अच्छा होगा। अब 11वें घर का मालिक अगर 11वें ही घर में, अपने ही घर में है, अपने घर में सदैव ग्रह अच्छा असर देते हैं, अपनी राशि में कोई भी ग्रह बुरा नहीं, 11वें घर का सूर्य अपनी राशि में बहुत अच्छे फल दे सकता है, अवार्ड्स, रिवार्ड्स, सरकारी, आपको अच्छी स्थितियां, और भी ग्रह योग अच्छे बन रहे हो तो कुछ पद्मश्री, पद्म भूषण जैसी उपाधियां मिल सकती हैं, या और भी इनाम सम्मान आपको आपके जीवन में मिल सकते हैं। बड़ी नेटवर्किंग को संचालित करने वाले, मतलब सीईओ वगैरह आप बन सकते हैं, यानी उच्च पदस्थ अधिकारी आप हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अगर मंगल का संयोग होगा तो मे बी आप इंजीनियर हो सकते हैं, पर किसी अच्छे ओहदे पर निश्चित रूप से होंगे और आपकी इनकम एक, मतलब बड़े नेटवर्किंग को संभालते हुए आ रही है। पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा नेटवर्क है जिसको आप संभाले, तो ये स्थिति तो अनडाउटेडली शायद बेस्ट है, सेकंड बेस्ट होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी है और फिर ये बहुत अच्छी है। अब बात है कि अगर 11वें घर का मालिक अपने से दूसरे घर में और विदेश के स्थान में है, व्यय स्थान भी है, विदेश का स्थान भी है, भोग का स्थान भी, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी आपकी इनकम विदेश से आ सकती है क्योंकि इनकम का मालिक विदेश चला गया, आपके इनकम का खर्चा भी है क्योंकि व्यय स्थान में भी है, कहां खर्चा करेंगे, भोग विलास पर खर्चा कर सकते हैं, घूमने फिरने पर, भोग विलास में, लग्जरी पर आप काफी खर्चा कर सकते हैं, काफी ट्रेवल भी कर सकते हैं। सूर्य जहां होता है वहां आत्मा जाती है, यानी कि ऐसे लोग काफी यायावर हो सकते हैं, बहुत घूमना पसंद कर सकते हैं, काम के लिए बहुत ट्रेवल करना पड़े ऐसा भी हो सकता है। आपके लिए क्योंकि ये 7वें घर से छठा स्थान होता है तो यहां पर ये आपके लिए थोड़ा सा है कि अगर आप अपने परिवार, मतलब स्पाउस के साथ लॉयल ना हो तो फिर आप थोड़ी सी परेशानी में फंस सकते हैं। सूर्य 12वें घर में तुला लग्न के लिए अगर होता है, शुक्र की स्थिति या मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो कई बार ऐसे लोग विवाह या तो करते नहीं या विवाह अच्छा नहीं चलता, ये भी ध्यान रखिए। तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए एक खास बात जो शास्त्रों ने कही है कि अगर तुला लग्न के लिए सूर्य 12वें में होता है तो ये आयुष्य के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत लंबा आयुष्य आपको मिल सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस तुला लग्न में सूर्य का विभिन्न भावों पर फल। आप सभी मेरे चैनल से प्लीज ज्यादा से ज्यादा जुड़े, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज बेल आइकन प्रेस करें,
आप तक मेरे वीडियो शायद पहुंचते ही नहीं है या आप देख नहीं रहे हैं। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, हो सकता है आपके इंटरेस्ट का वीडियो अपलोड हुआ हो। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।